हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू प्रॉब्लम्स ऑन पॉलिनोमियल्स, और बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रॉब्लम्स होंगी ये। तो ये प्रॉब्लम्स इस तरीके से बनाई गई हैं कि जो पहली प्रॉब्लम होगी वो थोड़ी इजी होगी, और उसके बाद लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और हर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। आपको कैसे सॉल्व करना है, जैसे आपके स्क्रीन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप स्क्रीन पॉज करेंगे, उस क्वेश्चन को समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको 2 या 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, क्योंकि इतने 2 या 3 सेकंड में आप आराम से स्क्रीन पॉज कर सकते हैं। फिर 2 या 3 सेकंड बाद मैं आऊँगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा। लेकिन सॉल्व करवाने से पहले मैं उस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा कि ए है, बी है, या सी है, डी है, कौन सी चॉइस सही है, ये बता दूंगा। इससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत, जो आपने सॉल्व करा है वो सही है या गलत। अगर सही है और आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका मेथड भी सही है, देन इमीडिएटली मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे मूव करोगे, मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर क्वेश्चन की टाइमलाइन दे दूंगा। तो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करना है आपको, तो टाइमलाइन पे क्लिक करो, सेकंड क्वेश्चन पे आप इमीडिएटली आ जाओगे। लेकिन बच्चों, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन का आंसर गलत है, या आपको जरा भी डाउट है कि मैंने इस क्वेश्चन में शायद मेथड सही से नहीं लगाया, अगर आपके मन ये बात कह रहा है, देन यू शुड सी द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जरूर देखें, तब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस मेथड को अडॉप्ट करो और अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग कर लो मैथमेटिक्स में, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री। कंसेप्ट स्ट्रांग है तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। 10th की मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। शुरू करें अपना एमसीक्यू प्रॉब्लम्स। तो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिंपल क्वेश्चन है। स्क्रीन पॉज करो और इसे सॉल्व करो, 2 सेकंड है, 1 2 पॉज द स्क्रीन। अब मैं करता हूँ इसे सॉल्व। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है ये सी। अगर आपका सही आंसर निकल गया है, देन इमीडिएटली मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन पर चले जाओ। टाइम लाइन है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, सेकंड क्वेश्चन पे क्लिक करो, इमीडिएटली उस पर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आंसर गलत है और जरा भी डाउट है तो सॉल्यूशन देख लो। अब मेरा यही प्रोसेस अडॉप्ट करना है। तो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 स्क्वायर, ये हो गया a और ये हो गया b, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट 7 एंड x प्लस अंडर रूट 7। तो जीरोस निकालने के लिए इसे हम इक्वल टू 0 रखते हैं। तो x की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने जीरोस होते हैं, x की मैक्सिमम पावर है 2, तो इसमें 2 जीरोस होंगे, ठीक। पहला जीरो यहाँ से निकलेगा, एक्स माइनस अंडर रूट 7 इक्वल टू 0, और ये निकला एक्स इक्वल टू अंडर रूट 7। दूसरा जीरो यहाँ से निकलेगा, एक्स प्लस अंडर रूट 7 इक्वल टू 0, तो ये होगा एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट 7। तो ये 2 जीरो हो गए, इसलिए राइट ऑप्शन है सी। आ गया समझ में? चलो, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। इसके जीरो निकालो, पॉज द स्क्रीन, 1 2। अब मैं करता हूं, पहले इसका आंसर बता देता हूं आपको, इसका आंसर है सेकंड, यानी बी, माइनस 5, -2। 2 जीरोज होंगे इसके, -5, -2, ठीक है, सही निकल गया, वेरी गुड। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो सॉल्यूशन देखो, पेश है आपका सॉल्यूशन। तो देखो, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी x की पावर जब 2 होती है तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके 2 जीरोज होंगे क्योंकि x की मैक्सिमम पावर है 2। इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, मिडिल टर्म है 7, तो 7 को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि सम तो आ जाए 7x, और प्रोडक्ट कितना आ जाए उन दोनों टर्म्स का, x इंटू 10, x स्क्वायर इंटू 10, यानी 10x स्क्वायर,
ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू टेन विच इज टेन एक्स स्क्वायर। ऐसे ही तो करते हैं, प्रोडक्ट इक्वल टू ये वाला टर्म एंड सब इक्वल टू द मिडिल टर्म। तो सिंपल सी बात है, 10 को फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू फाइव, ठीक है, तो हमारे दो टर्म हो जाएंगे 5 एंड 2। तो अगर जोड़ोगे इसको 5x प्लस 2x तो ये आ जाएगा 7x, और मल्टीप्लाई करोगे 5x इंटू 2x तो ये आ जाएगा 10x स्क्वायर। सही है, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब जीरो निकालने हैं इसलिए इक्वल टू जीरो रख देते हैं, इक्वल टू जीरो रख दिया। अब इन दोनों टर्म से हम x कॉमन लेंगे, ये आ गया x प्लस 5, और इन दोनों टर्म से भी हम कुछ कॉमन लेंगे, वो है 2 कॉमन है, ये हो जाएगा x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू जीरो। इसमें x प्लस 5 बाहर ले लेंगे, दोनों में कॉमन है, और है फिर रह जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब हमें दो जीरोज मिल जाएंगे, एक इसकी मदद से और एक इसकी मदद से, यानी एक x प्लस 5 इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू माइनस 5, दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू माइनस 2। दीज आर द टू जीरोज, ठीक है, आ गया बढ़िया करके समझ में, बहुत बढ़िया। तो माइनस 2 कॉमा माइनस 5 या माइनस 5 कॉमा माइनस 2 इज द राइट आंसर। सही है, बढ़िया। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी सच दैट अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस 1 इक्वल टू जीरो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पॉज करके करेंगे। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी दो जीरोज होंगे, इसके दो जीरोज होंगे, वो हैं अल्फा और बीटा। इस क्वेश्चन में भी अल्फा बीटा दे रखा है। सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, माइनस b अपॉन a, मतलब कोफिशियंट ऑफ x, b क्या है कोफिशियंट ऑफ x, ठीक है, माइनस बी, और ए क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये होता है सी अपॉन ए। ये आपको याद भी होगा, यहां मैंने बोर्ड पे लिख दिया। अब आप इसे करो स्क्रीन पॉज करके, 1 2 पॉज द स्क्रीन। अब मैं करता हूं, उससे पहले मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, इसका आंसर है सी। अगर आपने इसे कर लिया सही से देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरवाइज सीधा सॉल्यूशन। तो इस पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी को मल्टीप्लाई करोगे पी एक्स माइनस पी प्लस सी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस सी माइनस पी। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ a क्या होगा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1, b होगा माइनस पी, और कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा c माइनस पी। ठीक है, ये डिफरेंट है, कॉन्स्टेंट टर्म चलो यहाँ हम k ले लेते हैं। तो रूट्स, सम ऑफ द रूट्स होगा माइनस b अपॉन a, ये फॉर्मूला होता है, तो माइनस b की जगह रखे हैं माइनस p, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस p अपॉन a इज 1, सो इट इज p। प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा दिस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन 1 मीन्स c माइनस p। अल्फा प्लस बीटा पता लग गया, और अल्फा इंटू बीटा हमें पता लग गया, हमें दे रखा है अल्फा प्लस 1 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा, इसे सॉल्व करो, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा की जगह सी माइनस पी लगा दो, सी माइनस पी रख दिया हमने, प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दो पी, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पी से तो पी कैंसिल हो गया, सी प्लस 1 इक्वल टू 0,
सी इक्वल टू माइनस वन। आ गया बच्चों समझ में? बहुत बढ़िया, आंसर इज सी, राइट। तो बताइए है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2y² + 7y + 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। सिंपल है, ये मैंने यहां लिखा हुआ ही है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यहां पॉलिनोमियल y के टर्म्स में दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, x के टर्म्स में हो या y के टर्म्स में, ठीक है, इसे करो सॉल्व, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। 1 2 पॉज द स्क्रीन। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है बच्चों -1, ठीक है, सही आंसर निकल आया है विथ कॉन्फिडेंस। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता ही है ऐसा करना है, टाइम लाइन में जाके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे ही क्लिक करोगे वहां पहुंच जाओगे। मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम लाइन बना रखी है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, जीरोस है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन है, मीन्स -7/2। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 5/2, हमें निकालना है ये अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ब्रैकेट बना दो, अल्फा प्लस बीटा इज -7/2, अल्फा बीटा इज 5/2, दिस इज इक्वल टू -2/2 विच इज इक्वल टू -1, दिस इज योर आंसर। तो क्या है आंसर, बी, सही है, आ गया समझ में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - 8x + 2k + 1 इज 7 times द अदर कॉमा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो ये मैंने लिख ही रखा है पॉलिनोमियल का, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसे सॉल्व करो, k की वैल्यू निकालो। 2 सेकंड में स्क्रीन पॉज करो, 1 2 चलो अब मैं सॉल्व करता हूं। तो बच्चों जीरोस मान लेते हैं पॉलिनोमियल के हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हम सही से लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो होगा 3x² - 8x + 2k + 1। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो a क्या है कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, वो है 3, b कोफिशियंट ऑफ x विच इज -8 एंड c कांस्टेंट टर्म है, ठीक, वो है 2k + 1। सम ऑफ द, अच्छा पहले तो कंडीशन देख लो क्या दे रखी है, अल्फा इज इक्वल टू 7 बीटा, यानी एक जीरो दूसरे के 7 times है, ठीक। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a, यानी -(-8/3), तो ये हो जाएगा 8/3। अल्फा बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट c/a, यानी 2k + 1 2k + 1/3। अब आप सॉल्व कर सकते हो, अल्फा इक्वल टू 7 बीटा, अल्फा की ये वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 बीटा + बीटा इज इक्वल टू 8/3, तो ये हो जाएगा 8 बीटा इज इक्वल टू 8/3। तो इसका क्या अर्थ हुआ, बीटा इज इक्वल टू 1/3, बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई। जब बीटा की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास अल्फा की भी वैल्यू आ सकती है, अल्फा इज इक्वल टू 7 बीटा, 7 times बीटा, दिस इज इक्वल टू 7 × 1/3, सो अल्फा इज इक्वल टू 7/3। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 2k + 1/3, तो अल्फा तो रख दो 7/3, चलो यहां लिख लेते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2k + 1/3, अल्फा हमने रख दिया 7/3 मल्टीप्लाइड बाय बीटा रख दिया 1/3 इज इक्वल टू 2k + 1/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 से, चलो सही से लिख दें 7/3 इक्वल टू 2k + 1
प्लस वन अपॉन वन कर दो, वन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा सेवन से, थ्री ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ कर दें सॉल्व। चलो यहाँ कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा सिक्स के प्लस वन, ठीक है, थ्री को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो सिक्स के प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन, ठीक है, तो सिक्स के इक्वल टू सेवन माइनस थ्री, इधर ले गए सिक्स के इक्वल टू फोर, के इक्वल टू फोर बाय सिक्स विच इज टू बाय थ्री, तो हमारा आंसर होगा डी। पहले नहीं बताया मैंने आपको आंसर, चलो कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन ही देख डालो, सो के इज इक्वल टू टू बाय थ्री हो गया। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, ठीक है, इसे करो, पॉज द स्क्रीन, वन टू, तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं, राइट आंसर है सी, और अगर आपका राइट आंसर निकल आया है देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसे सॉल्व करते हैं, पॉलिनोमियल है ए एक्स फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन, अगर स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो ए इज इक्वल टू फोर, बी इज इक्वल टू थ्री, सी इज इक्वल टू सेवन, अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोज विच इज माइनस बी अपॉन ए, सो इट इज माइनस थ्री अपॉन फोर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है सी अपॉन ए विच इज सेवन अपॉन फोर, आपको क्या निकालना है वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, सो इट इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस थ्री बाय फोर डिवाइडेड बाय सेवन बाय फोर, फोर से फोर कैंसिल, दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय सेवन, सो आंसर इज सी, ठीक है। तो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जीरो अल्फा एंड बीटा ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस के आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, सिंपल क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करो, पॉज द स्क्रीन, वन टू, अब मैं सॉल्व करता हूं, उससे पहले मैं आपको आंसर बता दूं, आंसर है 12, अगर आपका आंसर आ गया है देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक। तो इसे सॉल्व करते हैं, हमें दे रखा है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस के, तो अल्फा और बीटा क्या है सम ऑफ द जीरोस, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस ऑफ माइनस सेवन अपॉन वन विच इज सेवन, ठीक है, क्योंकि बी क्या है माइनस सेवन, अल्फा बीटा क्या होगा सी अपॉन ए मींस के अपॉन वन विच इज के, तो के निकालना है हमें, हमें दे रखा है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वन, तो अल्फा हो जाएगा वन प्लस बीटा, तो अल्फा की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सेवन, तो ये हम रखेंगे, तो वन प्लस बीटा, ये तो अल्फा की जगह लिख दिया, प्लस बीटा इक्वल टू सेवन, वन प्लस टू बीटा इक्वल टू सेवन, ये आ गया हमारा, तो टू बीटा इक्वल टू सेवन माइनस वन विच इज सिक्स, सो बीटा इक्वल टू सिक्स बाय टू विच इज थ्री, यहां तक हो गया। अब हमें निकालना है अल्फा, अल्फा यहां से निकल जाएगा, ठीक, अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस बीटा विच इज इक्वल टू वन प्लस थ्री दिस इज इक्वल टू फोर, अब निकालना है के, के क्या है अल्फा इंटू बीटा, के इक्वल टू अल्फा बीटा, अल्फा है आपका फोर और बीटा है आपका थ्री, सो इट इज ट्वेल्व, सी इज द राइट आंसर, सही है बच्चों, आ गया समझ में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हूज जीरोज आर जीरो एंड माइनस टू, ठीक है, करो इसे, वन टू, पॉज द स्क्रीन, अब मैं सॉल्व करता हूं बच्चों, इसका आंसर है बी, ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में
अगर s क्या है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और p प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऑफ जीरोस, तो पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, तो सम हमें दे रखा है जीरो और प्रोडक्ट हमें दे रखा है माइनस अंडर रूट टू, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इंटू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट टू, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू, ठीक है, बी इज द आंसर, हो गया सही। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हूज जीरोस आर 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड 2 माइनस अंडर रूट 3, तो ये मैंने लिखा पहले से लिखे रहने दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक, ये पॉलिनोमियल है, तो इसे करो, सिंपल सा है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 1 2 पॉज द स्क्रीन, मैं सॉल्व करता हूं। तो यहां सम क्या दे रखा है, सम दे रखा है 2 प्लस अंडर रूट 3, आंसर बता देता हूं, आंसर है सी, नो आंसर इज डी स्टूडेंट्स, आंसर इज डी, ठीक है, आपका सही आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, सम दे रखा है 2 प्लस अंडर रूट 3, प्रोडक्ट दे रखा है 2 माइनस अंडर रूट 3, इक्वेशन होती है, सॉरी पॉलिनोमियल होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 एक्स, सम लिख दिया, प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज 2 माइनस अंडर रूट 3, ये हो गया पॉलिनोमियल, यानी आंसर है डी, सही है, वेरी गुड। तो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज सम ऑफ जीरोस इज 8 एंड प्रोडक्ट इज 12, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोस निकालने पॉलिनोमियल के, करो 1 2 पॉज द स्क्रीन। तो भाई सम आपको दे रखा है, पहले आंसर बता देता हूं, आंसर है 8, ठीक है, 2,6, सही आ गया हो, तो दूसरा अगला क्वेश्चन करो, सम आपको दे रखा है 8, प्रोडक्ट दे रखा है 12, तो एस स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इसमें रख दे, पॉलिनोमियल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो देखो जब हम स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, देखो हमें इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि ये जो दो टर्म है इनका प्रोडक्ट हो जाए 12 इंटू 1, मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, तो देखो यही हो जाएगा ना, माइनस 6 इंटू माइनस 2 12, माइनस 6 प्लस माइनस 2 यानी माइनस 8, इस तरीके से करते हैं, तो ये हो गया एक्स, एक्स माइनस 6 माइनस 2 बाहर लिया तो एक्स माइनस 6, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू जीरो, तो रखते हैं जीरो निकालने के लिए, पहला जीरो आएगा x इक्वल टू 2 और दूसरा आएगा x इक्वल टू 6, ठीक है, ए इज द आंसर, हो गया ये। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज जीरोज आर 2 एंड माइनस 6, देन पी एक्स इक्वल टू, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो करो इसे सॉल्व, 1 2 पॉज द स्क्रीन, अब मैं करता हूं, तो इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस क्या है, सम ऑफ जीरोस, और p क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जीरोस हैं आपके अल्फा बीटा, अल्फा दे रखा है 2, बीटा माइनस 6, आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है b, ठीक है, आपका निकल आया, वेरी गुड।
तो सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 2 माइनस 6 विच इज -4, प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा मीन्स 2 इंटू -6 विच इज इक्वल टू -12। तो पॉलिन ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स मीन्स -4 इंटू एक्स प्लस पी यानी प्लस ऑफ -12। ठीक है, आ गया समझ में, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। तो आपका क्या आंसर हुआ, बी। ठीक है, आ गया समझ में आपको बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 25 देन अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा इज गिवन बाय। तो इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन पूछ रहे हैं जिसके जीरोज हैं 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा। करो इसे सॉल्व। 1 2 पॉज द स्क्रीन। चलो मैं करता हूं। तो पहले तो हम इसके जीरोज निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। जीरोज निकालने के लिए इसे इक्वल टू जीरो रख दो, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5। पहला जीरो इससे निकलेगा, तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 रखोगे तो एक्स इक्वल टू 5। दूसरा निकलेगा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 रख के, ये आएगा एक्स इक्वल टू माइनस 5। तो भाई ये दो जीरोज निकल आए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 के। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा क्या है 5 और बीटा क्या है -5। अब हमें पॉलिनोमियल बनाना है इन दो जीरोस का। तो मान लेते हैं अल्फा डैश इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ये पहला जीरो, बीटा डैश इक्वल टू 1 प्लस बीटा। तो अल्फा डैश क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 विच इज 6, बीटा डैश क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 विच इज -4। अब हमें निकालना होगा सम, सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा डैश प्लस बीटा डैश विच इज, अल्फा डैश इज 6, बीटा डैश इज -4, सो इट इज 2। प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश दिस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय -4 विच इज इक्वल टू -24। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस इज सम पी इज प्रोडक्ट। ठीक, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, सो बी इज द आंसर। तो पहले मैंने आपको आंसर नहीं बताया, इस बार पूरा सॉल्यूशन देखना पड़ गया, लेकिन आंसर अगर सही आ गया देन इट्स वेरी गुड। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन डैट अंडर रूट 2 इज अ जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल 6x³ प्लस अंडर रूट 2x² माइनस 10x माइनस 4 अंडर रूट 2, फाइंड इट्स अदर टू जीरोस। करो इसे बच्चों। 1 2 पॉज द स्क्रीन, सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसमें इसका आंसर है बच्चों बी। क्या आंसर है, बी। तो स्क्रीन पॉज करके आपने सॉल्व कर लिया होगा, अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो बच्चों अगर अंडर रूट 2 इज पॉलिनोमियल का जीरो है, इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर अंडर रूट 2 जीरो है तो एक्स माइनस अंडर रूट 2 इज द फैक्टर, एक्स माइनस अंडर रूट 2 इज पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो इसके दो फैक्टर और होंगे, तो कुल मिला के 3 जीरो होंगे, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, 3 जीरो होंगे और 3 फैक्टर होंगे। एक फैक्टर हमें पता है, 2 फैक्टर और पता करने हैं, करें उसे फिर। तो वो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें बाकी के 2 फैक्टर पता लग जाएंगे। तो करें डिवाइड, चलो कर देते हैं। एक बात और कि जब इसको हम इस पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करेंगे इससे, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए,
भाई जाहिर सी बात है जब ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। अगर फैक्टर नहीं होता तो रिमाइंडर जीरो नहीं आता। तो अब हम करते हैं इसे डिवाइड, 6x³ प्लस अंडर रूट 2x² माइनस 10x माइनस 4 अंडर रूट 2। तो x माइनस अंडर रूट 2 से हमने करा डिवाइड, तो पहले यहां क्या आएगा, देखो ऐसा टर्म आएगा जिससे जिसको हम x से मल्टीप्लाई करें तो 6x³ आ जाए, ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं, तो वो होगा 6x². तो इसे जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 6x³, और आएगा x² का टर्म यानी माइनस 6√2x², सही है, बिल्कुल सही है सर। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 6+1 7 √2x², बाकी के दोनों टर्म्स कॉपी कर लो, माइनस 10x माइनस 4 √2। अब हम यहां एक ऐसा टर्म लिखेंगे जो x से मल्टीप्लाई होकर हमें देगा 7√2x², और वो टर्म क्या है, 7√2x, तो मल्टीप्लाई किया तो 7√2x² आएगा ही, माइनस 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 का साइन इसलिए है क्योंकि यहां माइनस है, तो ये आएगा 7 × 2 हो जाएगा यानी 14x। देखो आ गया समझ में भाई, ये मल्टीप्लाई होगा 7√2x को जब माइनस √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन तो आएगा ही। अब ये मल्टीप्लीकेशन में होगा 7√2 × √2, ये हो जाएगा 7 × 2 विच इज 14, तो यहाँ इसलिए माइनस 14 आया, सही है। अब फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 4x माइनस 4√2, सही है। अब हम किससे करेंगे, यहाँ क्या टर्म आएगा, यहाँ आएगा 4, क्योंकि अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4√2, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये रह जाएगा 0, लास्ट में 0 रहेगा ही क्योंकि x माइनस √2 इज द फैक्टर। तो अब हमें जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, अब इसके हम दो फैक्टर करेंगे तो टोटल इसके 3 फैक्टर हमें मिल जाएंगे, एक तो ये हो गया x माइनस √2 और 2 इससे, चलो अब इससे करते हैं, तो ये हमें मिला 6x² प्लस 7√2x प्लस 4, तो हम इसके फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो बच्चों इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, इसकी मिडिल स्प्लिटिंग टर्म के लिए आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे। तो बस प्रोडक्ट हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, दो ऐसे टर्म में डिवाइड कर देंगे 7√2x को जिनका सम तो ये हो जाए सम 7√2x, और प्रोडक्ट क्या हो जाए 6x² × 4 यानी 24x², तो प्रोडक्ट हो जाएगा 24x². तो इसके लिए हम क्या करते हैं 24 के फैक्टर कर लेते हैं, तो पहले ये 4 हो जाएगा, 4 से जाएगा, ठीक 6 3 से जाएगा 2, तो ये आ गया 4 3 और 2। भाई एक बात और याद रखो क्या, कि सम इक्वल टू 7√2x, तो यहाँ से देखो बहुत प्यार से निकल रहा है, बताओ कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं बताता हूँ, देखो 4√2 प्लस 3√2, ठीक है 4√2x एक टर्म तो ये हो जाएगा और दूसरा 3√2x ये दूसरा टर्म हो जाएगा, ठीक, क्योंकि अब हम इसे ऐड करेंगे तो ये आ गया 7√2x, यही सम हमें चाहिए था। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट यही आएगा, आप देख लो चाहो तो 4√2x मल्टीप्लाइड बाय 3√2x, ठीक दिस इज 24x², तो ये हैं हमारे दो टर्म, तो ऐसे स्प्लिट कर दो 6x² प्लस 4√2x प्लस 3√2x प्लस 4, सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब आप यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, 2 ले लेंगे कॉमन, x ले लेंगे, तो ये हो गया 3x प्लस
टू अंडर रूट टू, और यहां से क्या लेंगे कॉमन, यहां से ले लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, अंडर रूट टू ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3x प्लस टू अंडर रूट टू। देखो आ रहा है ना समझ में, 3x प्लस टू अंडर रूट टू है ये, तो ये हो जाएगा 2x प्लस अंडर रूट टू इंटू 3x प्लस टू अंडर रूट टू, सही है। तो ये हम मिटा देते हैं क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन हो सकती है, मिटा दिया साहब। अब हमें दो जीरो इससे मिल जाएंगे, पहला इससे मिलेगा 2x प्लस अंडर रूट टू से हमें ये जीरो मिलेगा, और x आएगा माइनस अंडर रूट टू बाय टू विच इज इक्वल टू माइनस वन बाय अंडर रूट टू। देखो दूसरा जीरो इससे मिलेगा हमें, कैसे, 3x प्लस टू अंडर रूट टू इक्वल टू जीरो, ठीक। तो x हो जाएगा माइनस टू अंडर रूट टू बाय थ्री, माइनस टू अंडर रूट टू बाय थ्री, तो ये हो गया हमारा माइनस वन बाय अंडर रूट टू एंड माइनस टू अंडर रूट टू बाय थ्री, इसलिए बी आंसर सही है, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बी इज द राइट आंसर। आ गया ये समझ में, वेरी गुड। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस वन सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एक्स प्लस फोर, ठीक है, करो इसे, वन टू पॉज द स्क्रीन, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। तो पहले तो इसका राइट आंसर बता दो राइट आंसर, इट इज फाइव, ठीक, नो इट इज माइनस फाइव, इट इज माइनस फाइव, सो ए इज द राइट आंसर। तो करें इसे, तो इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि ये x प्लस फोर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल मीन्स रिमाइंडर जीरो हो जाए। तो जब हम एक काम करेंगे, इसको x प्लस फोर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर आएगा उतनी वैल्यू माइनस में ऐड कर देंगे। देखो कैसे, आप डिवाइड करो, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस वन, यहां आएगा एक्स प्लस फोर, तो पहला टर्म यहां आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसका माइनस माइनस ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, टू माइनस फोर, इट इज माइनस टू एक्स स्क्वायर, बाकी दोनों टर्म कॉपी कर लो, माइनस नाइन एक्स प्लस वन, ठीक है, माइनस नाइन एक्स प्लस वन। अब यहाँ क्या आएगा बताओ, माइनस टू एक्स, ठीक, माइनस टू एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, ठीक, सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन। अब यहां क्या लिखेंगे साहब, यहां माइनस वन लिख दो, क्योंकि माइनस वन इंटू एक्स इज माइनस एक्स एंड माइनस वन इंटू फोर इज माइनस फोर, सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां प्लस ये कैंसिल, यहां रह गया फाइव, तो फाइव रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर जीरो हो जाए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां माइनस फाइव ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या होगा, ए। सो माइनस फाइव इज एड माइनस फाइव। अब चाहो तो आप करके भी देख लो, जब आप इसमें माइनस फाइव ऐड करोगे, है ना, माइनस ध्यान से देखो, माइनस फाइव ऐड करोगे तो यहां क्या रह जाएगा, माइनस फोर, जब यहां माइनस फोर रह जाएगा तो यहां पे भी माइनस फोर और यहां पर भी माइनस फोर, तो ये क्या होगा, माइनस फोर और इधर प्लस फोर हो गया, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है, तो यहां माइनस फाइव ऐड करके देखना और फिर डिवाइड करना एक्स प्लस फोर से अपने दिल की संतुष्टि के लिए, तो देखना फिर रिमाइंडर जीरो आएगा, सही है, याद रखना बच्चों। इन्होंने पूछा व्हाट शुड बी एडेड, तो क्या ऐड करें उस केस में जो रिमाइंडर होता है उसका माइनस, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो अगर सब्ट्रैक्टेड होगा तो क्या करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वही सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक, ये पॉइंट याद रखने वाली बात है, ठीक है।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अंडर रूट टू एंड माइनस अंडर रूट टू आर द टू जीरोज ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, फाइंड द रिमेनिंग टू जीरोज। तो भाई जाहिर सी बात है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x की मैक्सिमम पावर है 4, तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे 4, इसके कितने जीरोज होंगे 4, ठीक है। दो दे रखे हैं अंडर रूट टू एंड माइनस अंडर रूट टू, बाकी के दो और निकालो। सो 1 2 पॉज द स्क्रीन, चलो मैं करता हूं। तो पहले आंसर बता देता हूं, आंसर है ए। तो बच्चों एक चीज देखो कि अगर अंडर रूट टू एंड माइनस अंडर रूट टू आर द जीरोस, तो इसका मतलब है कि एक्स माइनस अंडर रूट टू एंड एक्स प्लस अंडर रूट टू आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक्स माइनस अंडर रूट टू ये फैक्टर आया इससे, ठीक। फैक्टर क्या होता है, एक्स माइनस द जीरो, जीरो क्या है अंडर रूट टू, तो फैक्टर हो गया एक्स माइनस अंडर रूट टू, और एक्स प्लस अंडर रूट टू आया इससे। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो वो भी इसका फैक्टर होगा, तो एक्स माइनस अंडर रूट टू एंड एक्स प्लस अंडर रूट टू इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अब हमें दो फैक्टर और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो तो ये क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ एक्स की पावर आएगी 2, उसको उससे हम डिवाइड कर देंगे इसे, तो हमें बाकी के दो फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। तो पहले तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू एक्स माइनस अंडर रूट टू एक्स माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर। तो वैसे तो इससे भी पता लगता है ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो और डिवाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 सही से लिखते हैं नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसको डिवाइड करा, यहां लिखा एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो बच्चे इसको हम करेंगे डिवाइड, तो यहां आ जाएगा 2x क्यूब, क्या आएगा 2x क्यूब नहीं स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमें x की पावर 4 चाहिए ना, तो ये आ जाएगा 2x टू दी पावर 4। फिर से बता देता हूं, हालांकि आपको पता है कि यहां हम वो टर्म लाते हैं जो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके 2x टू दी पावर 4 हो जाए, ये तरीका होता है, प्रैक्टिस हो जाती है तो ये काम बड़ी तेजी से होता है। अब फिर ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, क्यूब का टर्म नहीं होगा, ठीक है, यहां पर जीरो लिख दो, सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया ना हमने, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहां रह गया माइनस 3x क्यूब, ये तो एस सच रहेगा, फिर ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, हमने एस सच कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे, यहां क्या आएगा माइनस 3, तो ये एक्स क्यूब है, तो यहां जो टर्म आएगा माइनस 3x एक्स, क्योंकि अभी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया माइनस 3x क्यूब, और x का टर्म आएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 प्लस 6x। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहां प्लस यहां माइनस, यहां जीरो ले लो उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां चलो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, और यहां क्या आ जाएगा प्लस 1, क्या आ जाएगा बच्चों प्लस 1, तो यहां हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, रह गया क्या जीरो, जीरो तो रहना ही था, क्यों, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इससे हमें बाकी के दो फैक्टर मिलेंगे,
तो इसे लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर, यहाँ लाइन खींच देते हैं, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर आया है माइनस थ्री एक्स प्लस वन। अब इसके फैक्टर करने हैं हमें, तो कर लो बच्चों ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर करो। मिडिल टर्म है माइनस थ्री एक्स, इसको स्प्लिट कर दें तो इसे हम करेंगे माइनस टू एक्स माइनस एक्स। देखो कैसे, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो 2x हम कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा x माइनस वन, माइनस वन यहाँ कॉमन लोगे तो x माइनस वन, यहाँ लाइन खींच दो, इसके हो गया 2x माइनस वन एंड x माइनस वन। तो पहला फैक्टर हमारा इस, ये तो फैक्टर हो गए, रिमेनिंग टू फैक्टर्स हो गए। अब इसी से रिमेनिंग टू जीरोज निकलेंगे, पहला जीरो निकलेगा 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो रख के, तो x हो जाएगा वन बाय टू। दूसरा निकलेगा x माइनस वन इक्वल टू जीरो रख के, तो x हो जाएगा वन के बराबर। तो ये हो गए इसके दो फैक्टर्स, वन सॉरी दो जीरोज, वन बाय टू एंड वन। सो ए इज द आंसर, ठीक है। आगे आपको समझ में ये, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पॉलिनोमियल 6x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी ए एक्स प्लस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इसे करो, डिवाइड करो, ए और बी की वैल्यू निकालो, पॉज द स्क्रीन। चलो मैं करता हूँ। तो बच्चों सिंपली इस पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है। तो भाई हमने इसे करा, 6x टू दी पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, इसको हमने डिवाइड किया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। हाँ आंसर बता देता हूँ आपको मैं, आंसर है सी 1, 2, ए है 1 बी है 2, सही है। अब सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ आएगा देखो 2x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2x स्क्वायर को जब हम 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6x टू द पावर 4, बिल्कुल सही। क्यूब में क्या आ जाएगा, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 8x क्यूब, और यहाँ आएगा प्लस 2x स्क्वायर। चलो भाई कर देते हैं सबट्रैक्ट, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ आएगा 15x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, 15x स्क्वायर तो यहाँ से बचा, 21x प्लस 7 हमने यहाँ कॉपी कर लिया, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा, अब 5 से करें 5, तो ये आएगा 15x स्क्वायर। भाई 5 से ही करना पड़ेगा क्योंकि 5 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 15x स्क्वायर आएगा। हमें यहाँ पर सेम नंबर चाहिए होता है, जैसे यहाँ 15x स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 15x स्क्वायर चाहिए। फिर है प्लस 5 4 जा 20, 20x प्लस 5, ये करा ये और ये सबट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल, x प्लस 2 आ गया, यही रिमाइंडर है, x प्लस 2 इज़ द रिमाइंडर। और हमें क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी, कंपेयर करो, ए एक्स प्लस बी को हम कंपेयर करते हैं एक्स प्लस टू से। जब कंपेयर करोगे तो ए क्या है, एक्स का कोफिशियंट विच इज़ वन, और बी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म विच इज़ टू। सो द राइट आंसर इज सी, सही है, आपने भी कर लिया होगा, चलो बहुत अच्छा। तो बच्चों हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए पॉलिनोमियल्स के, मुझे उम्मीद है कि अब आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। तो फिर आज के लिए बाय, सी यू।